देश में के कई इलाकों में 5G जी टेलीकॉम सेवा लॉन्च हो गई लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कई जगहों पर 5G जी टेलीकॉम सेवाओं की जो स्थिति है वो खराब है शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार इस मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों से बात कर सकती है केंद्र सरकार जल्दी रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बुला सकती है टेलीकॉम कंपनियों के साथ इस बैठक के दौरान पूरे देश में 5G सेवाओं के लॉन्च पर भी चर्चा हो सकती है सर सुधर क्यों नहीं रही है फाइव की समस्या और किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है शो फाइव की बोहनी उपभोक्ताओं के लिए खराब रही है जिस उत्साह और जिस उम्मीद के साथ लोग पिछले साल सेप्टेम्बर अक्टूबर में भारत में पांचवी पीढ़ी की मोबाइल सेवा का इंतजार कर रहे थे और उनको लग रहा था कि फाइव उनके मोबाइल आते ही उनको स्पीड डेटा कॉल सब में एक बिल्कुल दूसरे तरीके के एक्सपीरियंस मिलेंगे वैसा कुछ भी नहीं हुआ जितना जि, जिस तरीके की परिस्थिति या जिस तरीके की संभावनाएं को लेकर दिखाई दी थी वैसा नहीं हुआ सरकार को इस बात का एहसास पिछले साल ही नवंबर में हो गया था कि टेलीकॉम कंपनियां जो कमिट कर रही हैं जो कह रही हैं जिस तरीके का माहौल है फाइव को लेकर वैसा जमीन पर शायद नहीं हो पाएगा इसलिए आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर से दूरसंचार विभाग और दूरसंचार दूरसंचार और कंपनियों के बीच तमाम खींचतान चल रही है क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर लेकिन सर्विस उधरती नहीं दिखी और हम धीमे धीमे मोबाइल सर्विसेज के विस्तार के दौर में पहुंच गए जहां 500 से 600 शहरों में में 5G की सर्विस उपलब्ध है कंपनियों का ऐसा दावा है दो बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में 5G सर्विस दे रही हैं इस बाजार में एयरटेल और जियो और दोनों ने पाँच से छः शहरों में फाइव सर्विस लॉन्च करके आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कर दी है लेकिन मौजूदा परिस्थिति यह है कि पचास से साठ उपभोक्ता फाइव सर्विस आने के बाद कॉल ड्राप की शिकायत कर रहे हैं डेटा की वो स्पीड तो है ही नहीं उन्हें तो 4G की वाली डेटा की स्पीड भी नहीं मिल रही और नेटवर्क में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि कंपनियों ने जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियों ने अपने नेटवर्क के विस्तार में जल्दी की है मौजूदा 4G नेटवर्क्स के साथ इनका सही तालमेल नहीं हो पा रहा है नेटवर्क की रीमैपिंग की ज़रूरत है इसलिए जहाँ फाइव फोर नेटवर्क के साथ फाइव नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ कॉल की ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन सब मामलों को सुलझाने के लिए फिर सरकार एक तरफ एक तरह से कोशिश शुरू कर रही है ये ध्यान रखना ज़रूरी है टेलीकॉम कंपनियां कंपनियों ने टैरिफ भी बढ़ाए हैं मोबाइल की दरें भी बढ़ाई हैं 5G सेवा महंगी भी है अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे सेवा को कम से कम उस स्तर तक तो ले जाएं जहां लोगों को ये लगे कि उनके इंटरनेट मोबाइल पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो पाई है जिसकी वो कीमत चुका रहे हैं फिलहाल अगर आप भी 5G सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी कर रहे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल पर फोर से फाइव की तरफ जाने का कोई बड़ा फर्क स्पीड के तौर पर नहीं नजर आया होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है